हेलो फ्रेंड्स, आज हम मल्टीप्लाई विद शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे। इसमें हम विद वेस 10, 100, 1000 के नियर अबाउट जो भी नंबर्स हैं उनको किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। हमारी ये मल्टीप्लाई सीरीज़ के अंदर हमारी आज ये पहली वीडियोज़ रहेगी। इसके अंदर हम सबसे पहले आज एग्जांपल एट द बेस 10, अगर किसी का नंबर का बेस 10 है उस पर करेंगे। हम एग्जांपल के तौर पर पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको 12 और 13 की गुना करने के लिए कहा गया, तो इसकी गुना कितनी होगी। हम देखें कि 12 10 से 2 ज़्यादा है और 13 3 अधिक है, तो डैट मीन्स हम क्या करेंगे, 12 में 3 जोड़ देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 13 में 2 जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जो भी नंबर एक दूसरे के ज़्यादा हैं वो एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। 12 और 3 को जोड़ेंगे और पीछे 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 12 और 3 को जोड़कर हम जानते हैं 15 आ गया, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके 6, डैट मीन्स हमारे पास 12 को 13 से गुना करकर 156 होता है। अब यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखना है कि हम एड बेस 10 पर कर रहे हैं और इसके अंदर एक जीरो है, तो पिछले अंक के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बनेगा हमारे पास। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमें 16 और 17 की मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया। 16 एट बेस 10 के ऊपर 6 अधिक है और 17 7, तो हम 16 में 7 जोड़ दें या 17 में 6 जोड़ दें तो हमारे पास 23 बन जाएगा। और 6 को 7 से गुना करेंगे क्योंकि जो प्लस थी हमारी रकम, 6 7 42, लेकिन हमारे पास रखने के लिए तो सिर्फ एक ही जगह है क्योंकि 10 बेस पर हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 42 का 4 है वो पावर के रूप में 23 के अंदर ऐड हो जाएगा। 23 में ऐड होकर 23 और 4 27 और 2 हमारे पास 272, डैट मीन 16 और 17 की गुना करके 272 आएगा। ऐसे ही हम एट बेस 100 पर अगर हम बात करें, इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, हमने एक एग्जांपल के तौर पर हमें पूछा गया कि 106 और 107 की मल्टीप्लाई कितनी होगी। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और 7 हमारे पास मल्टीप्लाई किया, 106 से 6 ज़्यादा है और 107 7 ज़्यादा है, तो हमने 106 में 7 जोड़ दिए 113 और 6 और 7 की मल्टीप्लाई कर दी और 6 7 42 हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 100 बेस पर हम कर रहे हैं इसलिए 2 डिजिट ज़्यादा रहेगा, ये 2 डिजिट प्लेस रहेंगे हमारे पास, 42 का 42 आ जाएगा। हम एक एग्जांपल और लें, 97 को 96 प्लस की जगह इस क्वेश्चन में हमारे पास माइनस है, ये 100 से -3 और -4 माइनस है, तो हम इसको 97 के अंदर 4 माइनस करेंगे, 96 में या -3 करेंगे तो हमारे पास 93 आ जाएगा। और -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को -4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास माइनस प्लस, डैट मीन्स 12 आएगा। ठीक है, तो डैट मीन्स हमारे पास 97 × 96 9312 होगा, 9312। हम एक एग्जांपल और लें, 112 को हमने 97 से गुना करनी है, 112 100 बेस पर ज़्यादा है और 97 कम है, 112 प्लस 12 हो गया, 97 माइनस 3 हो गया, तो दोनों को हम, अब हमें ख्याल रखना है 112 के अंदर अगर हम माइनस 3 पर एक्शन करना चाहते हैं तो 109 बनेगा, और अगर हम 97 के अंदर प्लस 12 करेंगे तो भी 109 बनेगा, और उधर प्लस 12 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर -36 बनेगा। -36 हुआ, अब माइनस तो बीच में कोई प्लेस हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 109 में से 108 बना देंगे, यहाँ से एक लेंगे और 100 में से 36 घटाकर हमारा 64 आ गया। दैट मीन्स ऊपर आंसर के रूप में 108 और 64 लिखकर 10864 हमारा ये आंसर बन जाएगा। इसी तरह अगर हम बेस 1000 पर लें, तब हमारे पास एग्जांपल के तौर पर पूछा गया 1013 को 1017 से गुना करनी है हमें। इसमें हम क्या करें, प्लस 13 और प्लस 17, 1013 के अंदर हमने प्लस 17 ऐड किए तो हमारे पास 1030, और 13 और 17 को गुना किए हमने 221, मीन्स हमारे पास जो आंसर है 1013 को 1017 से गुना करने पर, ठीक है, 10,03,230,221
हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा ही हम एग्जांपल और लें, 987 को 992 से गुना करें, अब ये दोनों के दोनों हमारे पास माइनस में है, -13 -8, तो माइनस है तो हमने माइनस करने पड़ेंगे। 987 में से हमने 8 घटाए 979, और -13 को -8 से गुना की 104, मींस 979104 हमारे पास हमारा आंसर होगा। हम एक एग्जांपल और लें, एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसके अंदर एक नंबर 1000 से ज़्यादा है, दूसरा नंबर 1000 से कम, एक नंबर 1000 से +12 है, दूसरा नंबर 1000 से -3। तो अब एक्शन हमने किस पर करना है वो डिपेंड करते हैं, हम 997 के अंदर 12 ऐड करें या 1012 में से 3 घटाएं, हमारा जो आंसर है वो 1009 आएगा। और +12 को लेकिन -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने के कारण -36। अब हमारे पास फिर वही चीज़ होगी, यहाँ 3 प्लेस थे, 1000 के अंदर 3 जीरो होती है हमारी, तो इसलिए 1009 में से 1 लिया 1008, अब 1000 में से हमने 36 घटा दिया 964, मीन्स हमारे आंसर के रूप में 1008 और 964 लिखा जाएगा। डैट मीन्स 1008964 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके थैंक्स फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो मल्टीप्लाई सीरीज़ के अंदर ही, मल्टीप्लाई विद फन के साथ हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो सीखेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आपको अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब के नीचे रेड कलर के अंदर सब्सक्राइबर दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ वहाँ क्लिक करें और फिर बेल आइकॉन पर दबाएं ताकि मेरे को आगे मेरे जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। मेरा चैनल विजय टिप्स, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें मेरे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ओके थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स।